नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम, नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर, आज की ये वीडियो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो वाराणसी में है उसका सेकंड पेपर फिजिक्स का क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी के एनालिसिस से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं पेपर आपके सामने होगा। आपको सेक्शन ए में सभी क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, 2 अंक का एक प्रश्न है और आपको सभी प्रश्न करने हैं, 50 शब्दों में एक प्रश्न लिखना है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन एन ऑपरेटर, ऑपरेटर को डिफाइन कीजिए, राइट ऑपरेटर करिस्पोंडिंग टू मोमेंटम एंड एनर्जी। मोमेंटम ऑपरेटर और एनर्जी ऑपरेटर दोनों आपको बताने हैं, ठीक है। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, वॉट डू यू मीन बाई डी जनरेट आइगन स्टेट, डी जनरेट आइगन स्टेट क्या होती है आपको बताना है। नंबर सी में आपसे कहा आपको एक्सप्रेशन लिखना है आइगन, बल्कि एनर्जी का, ठीक है, एनर्जी के आइगन वैल्यू का और किसके लिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, और आपको 0 पॉइंट एनर्जी भी बतानी है, ठीक है। नंबर डी क्वेश्चन है, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर्स एन, है ना, एल, एम एस और जे, 3D1 के लिए, है ना, इन चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है। इसके बाद नंबर ई क्वेश्चन है, ड्यू एंड हंट लो आपको एक्सप्लेन करना है। तो 5ों ही क्वेश्चन आपको करने थे, 2 नंबर का एक था, 10 नंबर के आपके प्रश्न थे, ठीक है। फिर सेक्शन बी पे आते हैं, इसमें आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, 8 में से, और एक प्रश्न आपका 5 अंक का है, 100 शब्दों में आपको लिखना है, तो 25 नंबर के 5 प्रश्न आपके हो जाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे कहा कम्यूटेशन रिलेशन बताना है पोजीशन और मोमेंटम ऑपरेटर्स के बीच, ठीक है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है, मोमेंटम ऑपरेटर हर्मिशियन नेचर का होता है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। नंबर सी में आपसे क्या कहा, आपको 1 डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डेराइव करनी है, ठीक है। और नंबर डी में आपसे कहा कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है आइगन फंक्शन का, ये आपको बताना है, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन है ना, इस इक्वेशन के लिए एक फंक्शन दे रखा है उसके लिए करना है, यानी कि एक न्यूमेरिकल है नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड। नंबर ई में आपसे क्या कहा, कोई एटम है जिसके 2 ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर कॉन्फिगरेशन दे रखा है 4p 4d, आपको LS कपलिंग बतानी है, ठीक है, सब चीज़ें कराई हुई हैं सब क्वेश्चंस। और नंबर एफ में आपसे कहा सोडियम डी लाइन का फाइन स्ट्रक्चर आपसे पूछा है। नंबर जी में आपसे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे पूछा है, और साथ में उसके अंदर जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, के अल्फा, के बीटा, के गामा, है ना, इस तरीके की जो लाइन्स होती हैं वो सब आपको बतानी है। फिर एच में आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रा और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में अंतर बताना है, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कराया हुआ है सब। सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं, आपको 4 में से 2 प्रश्न करने हैं, 20 नंबर का एक है, 40 नंबर के टोटल हो जाते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका वो 1 डायमेंशनल पोटेंशियल वाला दे रखा है, ठीक है, यानी पोटेंशियल स्टेप और रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन कोफिशेंट से रिलेटेड है, ये आपका क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। नंबर बी में आपसे एच अल्फा लाइन क्या होती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पूछा है, और एच अल्फा लाइन का पोजिशन ये क्या बताना है आपको, फाइन स्ट्रक्चर बताना है वेक्टर एटॉमिक मॉडल के आधार पर, ठीक है। नंबर सी में मोजले का नियम क्या है, मोजले लो, और उसे बोहर थ्योरी से कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, ये पूछा है। नंबर डी में आपसे रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पूछा है, पी क्यू आर ब्रांचेस और उनका ओरिजिन कहाँ से होता है, इस तरीके से 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 तो आपको है ना करने थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये पेपर था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम पेपर के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।